भारतवासियों को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय हिंद जय भारत। आज 2 अक्टूबर है और आज हम दो दिव्य पवित्र आत्माओं की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी और हमारे देश के बड़े अद्भुत और क्षमतावान पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो आप सभी को दोनों पवित्र आत्माओं की इस पवित्र जयंती के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। और इन विभूतियों से हमको सीखना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे अपने देश के लिए क्या क्या किया है। थोड़ा नहीं किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन हम और आप हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कल आपको याद होगा, कल मैंने लाइव किया था और आप सब जुड़े और बड़ी खुशी इस बात की हुई कि इतने कम समय में इतना मुश्किल ही हो पाता है। 26,000 नियर अबाउट 26,000 प्लस कमेंट और 20,000 से ऊपर शेयर किए गए और 5.5 लाख से ज्यादा 24 घंटे के भीतर भीतर इसको देखा गया। तो जुड़ जाएं आप पहले, फिर मैं इस बात को आगे शेयर करूंगा आप सबकी साथ। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि आज गांधी बापू के इस जयंती पर हम सबको कुछ नया करने की इच्छा है। और आपने जो एडवाइस मुझ तक पहुंचाए हैं, ज्यादा ज्यादा पहले शेयर कर लें, जोड़ लें और बीच बीच में भी शेयर करते रहें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आपको पता है कि अमेरिका में बहुत लेट हो रहा है, 12:15 बजने वाले हैं, पर फिर भी क्योंकि 2 अक्टूबर है और इस 2 अक्टूबर को हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, इस देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए, देश की पवित्रता को बचाए रखने के लिए। सबसे पहले आप ये समझिए, इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान आते हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। हमको और आपको सबको पता है गीता का ये श्लोक, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य त्रदात्मानम सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में जब जब भगवान को लगता है कि अब मेरी जरूरत है, कुछ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तब तो भगवान आते हैं। और जब भगवान ना आए तो फिर आप जैसे लोगों को आगे करते हैं, आप जैसे लोग इस देश की रक्षा करें, देश के धर्म की रक्षा करें, देश की अखंडता को बचाए रखें। इतने कमेंट आए हैं 24 घंटे के भीतर भीतर 26,000 कुछ, और युवाओं ने जिस तरीके से भर भर के कमेंट किए हैं वो काबिले तारीफ है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैं आपका जो दर्द है उसे समझ रहा हूं, पर मैं जहां हूं मुझे भी कुछ सोच समझ के ही काम करना है। मैं चाहता हूं देश की अखंडता वो बनी रहे, वो बची रहे। हम लोग, मैंने हमेशा कहा है, जाति से ऊपर उठ के, मजहब से ऊपर उठ के अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो वो देश, सबसे पहले हम भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारी भारत की अखंडता बनी रहे, बची रहे, कैसे बचेगी, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा, इसको शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें और फिर मैं बात रखूंगा। महात्मा गांधी की, बापू की कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। बापू ने हम सब के लिए क्या कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आज सभी पार्टियां, ऑलमोस्ट सभी पार्टियों को मैं देखता हूं,
सारी पार्टियां ऑलमोस्ट चर्चा करती हैं, आप देखते होंगे, किसकी? गांधी बापू की। बापू का नाम भी यूज करते हैं, बापू का बार बार नाम लेते हैं, लेकिन बापू के बताए हुए मार्ग पर चलने में दिक्कत होती है सबको, और होगी भी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि बापू जैसे हर एक तो हम और आप तो नहीं हो सकते। लेकिन बापू ने कहा कि वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रहे, जो दूसरे का दुख जानता। और यहां पर वेद व्यास जी ने भी ये बात कही है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? व्यासस्य वचनम द्वयम्, अष्टादश पुराणेषु, इतने पुराण लिखने के बाद सबका सार दो वचनों में, दो शब्दों में, क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे को सुख दे उसके बराबर पुण्य नहीं, और दूसरे को दुख दे उसके बराबर पाप नहीं। ये आप सब जानते हैं, कथा में मैंने इसको कई बार कहा है, आपने बार बार सुना है। लेकिन आज गांधी बापू भी यही कहते थे, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर आज भारत में जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, बहुत दुख की बात है। आज भारत कम से कम तीन हिस्सों में मैं देख रहा हूं इस टाइम, वो आप समझेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं ऐसा कुछ हो। मैं तो ये चाहता हूं कि भारत अखंड रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय है वो भारतीय बना रहे, और इसके लिए मुझे और आपको मिलके काम करना होगा। जब मैं और आप मिलेंगे तो काम करेंगे। तो अभी हमको करना क्या है, हम चाहते क्या है? मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे, और इतने कमेंट्स जो पढ़े हैं मैंने, मतलब मैं पढ़ तो नहीं सकता इतने, 26,000 कमेंट। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपको अपने भारत की अखंडता की इतनी चिंता है। शेयर भी 20,000 किए, इसको भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि आज मैं जो यहां से अनाउंस करने जा रहा हूं वो भारत की अखंडता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप चाहते हैं कि अगर ये बात सब तक पहुंचे तो ऑब्वियसली आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे तक ये शेयर करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। फिर से सोचिए, प्रत्येक पार्टी जिन्होंने SC ST एक्ट बनाया, 1.5 से 2 महीने होने को हैं, कोई भी व्यक्ति अभी तक, अलग के मैंने जो 2 महीने का समय दिया उसमें अभी 1 महीना पूरा होने जा रहा है, परसों 1 महीना और बाकी अभी, बावजूद इसके क्योंकि ये पहले से ही चल रहा है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का एक भी सांसद हम लोगों की आवाज को सुन नहीं रहा, हमारे साथ आकर हमसे कोई पूछ नहीं रहा। मुझे मेरी सरकार से, फिर से कह रहा हूं, मेरी सरकार से, मैं सरकार के विरुद्ध नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हूं, इस एक्ट के भी विरुद्ध नहीं हूं। जितने कमेंट 24 घंटे में किए लोगों ने वो भी किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनका दर्द है, उनका भी दर्द है। और दर्द दिया किसने है? एक शेर बोल रहा हूं, आप सब जरा ध्यान से सुनेंगे। जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे, ये मत पूछना किसने दिया है दर्द तुम्हें, ये मत पूछना किसने दिया है ये दर्द तुम्हें, वरना कुछ अपनों के सर झुक जाएंगे। ये मत पूछना कि किसने दिया है दर्द तुम्हें, वरना कुछ अपनों के सर झुक जाएंगे, जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे। तो ये क्या है, हम आपको गैर नहीं मानते, आप हमारे हैं,
लेकिन 1.5 महीने से हम रो रहे हैं, आपके अपने लोग रो रहे हैं, 2 महीने से रो रहे हैं, और कोई सुन ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई रो क्यों रहे हो। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से समझें, राजा की नजर में प्रजा सब बराबर होनी चाहिए, राजा की नजर में प्रजा पुत्रवत होनी चाहिए। कोई भी राजा हो, ये जितने भी सांसद बैठे सब राजा ही हैं, हम लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं की है। जितने भी राजा यहां बैठे हैं 790 जो भी सरकार विपक्ष पक्ष सब, वो राजा के समान है। और कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अब हमारे राजाओं ने 1.5 महीने से हमसे पूछा ही नहीं, उनका बेटे रो रहे हैं, उनके एक दो बेटे नहीं तमाम बेटे रो रहे हैं, कोई पूछने कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं आया, भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें परेशानी क्या है, तुम्हारी वजह क्या है, इसका मतलब हम लोग रोते रहे, हमें कोई पूछेगा ही नहीं, हम चुपचाप बैठे रहे। अब आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस देश में पराये से हो गए। गांधी बापू की एक और बात याद आ रही है, वो चाहते थे कि ये जो छुआछात है, ये जो छूना और ये अछूत, ये जो बात कहना है, ये खत्म होनी चाहिए देश में। आज भारतीय राजनीति में वो दिन हम सबको देखना पड़ रहा है जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी नांग के आए ये लोग कि कोई पूछने वाला नहीं है, आज हम सब अछूत हो गए इनके लिए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो हम लोग अछूत हो गए। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं, आज अगर बापू ऊपर से देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि 100 करोड़ लोगों को भारतीय राजाओं ने, 790 राजाओं ने अछूत बना दिया, न उनके बारे में कोई सुनेगा, न उन्हें कोई देखेगा, न उनके बारे में कोई समझना चाहेगा। अब क्या करें, मुझे बहुत सारी एडवाइस आप सबकी मिली है। पॉइंट पे आता हूं क्योंकि बहुत लोग जुड़ गए इस समय, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं इस समय, पर और चाहूंगा कि और भी जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इन सब से एक प्रार्थना है मेरी, शेयर कीजिए। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हीं कमेंट्स के आधार पर बोलने जा रहा हूं मैं, 26,200 कमेंट्स इस लाइव के शुरू होने तक पहुंच चुके हैं, 20,200 या 150 शेयर हो चुके हैं 24 घंटे के भीतर भीतर, 5,57,000 के करीब व्यूअर्स हैं जो देख चुके हैं 24 घंटे के भीतर भीतर। तो मैं चाहूंगा इसे भी आप जरा शेयर करें लोगों तक पहुंचाएं। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग अभी कमेंट दे रहे हैं दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कि अब जो मैं चाहता हूं आपके कमेंट्स के आधार पे, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि महाराज आप कथा करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक दो कमेंट बहुत अच्छे लगे कि वो कह रहे मैदान में आइए, मैदान कहां है, वो चाह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं, वो चाह रहे हैं युवा हैं बड़े जोश में हैं, और मैं चाहता हूं कि युवाओं में जोश बना रहे, क्योंकि युवाओं का जोश हमारी कंट्री को आगे ले जाएगा। जितने भी यंगस्टर्स होते हैं ना उनमें पावर होती है, और उनकी पावर कंट्री की पावर होती है। मैं युवाओं से एक बात और कहूंगा, सुन लो, हर पार्टी का व्यक्ति युवाओं की बात करता है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, सब पार्टी युवाओं का नाम लेती हैं, लेकिन युवाओं से सिर्फ वोट लेने के लिए युवाओं का नाम लेती हैं, बाद में क्या होता है युवाओं का, क्या यूज होता है युवाओं का।
आज वो युवा सड़कों पे हैं, उन युवाओं से ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम रो क्यों रहे हो भाई, तुम भी तो इसी देश के नागरिक हो, परेशान क्यों हो तुम? कोई पूछने वाला नहीं। बस जब चुनाव आएगा तो सब पूछेंगे, युवाओं की जरूरत है। तो युवाओं ने जो मुझे आइडिया दिए हैं कि महाराज आप मैदान में आइए, काफी बड़ी संख्या में लोगों ने मुझसे कहा है, कमेंट में लिखा है उन्होंने, जो मैंने कल कहा था आप सलाह दीजिए, उन्होंने मुझे सलाह दी है। अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। और आपने मेरे पहले इंटरव्यू देखे होंगे, मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सिर्फ ये कहा है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब युवाओं की बारी है, अब यहां पर युवाओं का समय आ गया है। मैं चाहूंगा युवा इस बात को समझे कि हमें अब आगे बढ़ना है, और थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ना है। मैं युवाओं से यह चाहूंगा, 4 नवंबर को, वैसे मैं आ रहा हूं इसी महीने की 15-20 दिन 20-22 दिन और रह गए, 20-22 दिन बाद मैं भारत पहुंच रहा हूं, और भारत पहुंच के इसी चीज को और आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात मैं आप सबको बता दूं जो आज मुझे आपको बतानी है, अधिकांश लोगों ने कहा है कि पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, मैं आपकी बात कुछ मानूंगा और कुछ नहीं मानूंगा। क्या मानूंगा सुनिए ध्यान से, चुनाव नहीं लड़ूंगा। कई लोग मेरे से कह रहे कथा, एक दो लोगों ने बीच में सलाह दी, महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी है, अगर आप कथा छोड़ देंगे तो जो युवाओं को आपकी कथा और सत्संग से कुछ मिलता है उससे वो वंचित हो जाएंगे। याद रखिए, देवकीनंदन जब तक रहेगा, ये शरीर रहेगा, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे मैं कथा ही करूंगा, भागवत ही करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा काम मुझे ठाकुर जी ने जो दिया है बहुत प्रिय है, अभी भी उसी कार्य को करने के लिए तो मैं आया हूं, यहां जो बैठा हूं अमेरिका उसी, अदरवाइज तो मुझे अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं वहां होता भारत में। मैं यहां बैठा हूं क्योंकि मुझे कथा करनी है। लेकिन इतने लोगों की जो हम लोग, इतने सांसदों के द्वारा जो हमें इग्नोर किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। और मेरा ही अपमान नहीं हो रहा है, ये अगर मैं कहूं तो ये सभी लोगों का अपमान हो रहा है। जो भी लोग इन आंदोलन को कर रहे थे, ये उन सब का अपमान हो रहा है। पर अब करें क्या, कोई सुनने वाला ही नहीं है, और सुनने वाला नहीं है तो अब किसको सुनाए, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं अब हमें, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी, जिनको सुनाना था, उन्होंने तो सुनना बंद कर दिया। जान तो ये हालत हमारी क्यों हुई, एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, मैंने भी कहीं से पढ़ी, सुनाऊं? सुनो, एक कसाई था, और वो रोज, कसाई का मतलब आप समझ गए, वो कबूतर लाता, काटता, उसे मारता, फिर उसे बेचता, ये उसका रोज का काम था। मजे की बात देखिए, ये दुकान के बाहर ही एक पिंजरा था, उस पिंजरे में ही उसने सारे कबूतर बंद किए हुए थे, और उसी में उसके लिए चूगा डाला हुआ था, उन कबूतरों के लिए, ठीक, उन्हीं में डाला हुआ था। और जिस कबूतर को वो निकालता था मारने के लिए, सिर्फ वो शोर मचाता था, बाकी के सारे कबूतर आराम से दाना खाते रहते थे, आराम से, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, बोले मरेगा तो वो, हम तो आराम से दाना खा रहे हैं। और वो, उनको दाना कब तक मिल रहा है, जब तक उस कसाई का हाथ उस कबूतर पे नहीं जा रहा है। और ये स्थिति हम सबकी है इस समय भारत में, जो
रोड पे शोर मचा रहा है वो शायद कबूतर की जगह है, वो हल्ला मचा रहा है, वो उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, लेकिन बाकी के कबूतर चुपचाप आराम से दाना खा रहे हैं। कब तक? बोले जब तक उनके ऊपर हाथ ना आ जाए। इस वोट की राजनीति में बचेगा कोई नहीं, याद रखिएगा। अगर हम देश की अखंडता बना के रखना चाहते हैं, मैं ये बात हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, बचेगा कोई नहीं। वो कबूतर की तरह हैं हम सब, कभी ब्राह्मण के नाम पे, कभी ठाकुर के नाम पे, कभी बनिया के नाम पे, कभी शूद्रों के नाम पे, दलितों के नाम पे, हमको बार बार ऐसे ही ठगा जाएगा, ऐसे ही हमको कबूतर की तरह बलि चढ़ा दिया जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, अब एक हो जाइए, अब एक होना है, हम सबको एक होना है। एक हो के अगर हमें अपनी जान बचानी है, हम सबको एक होना होगा, एक बैनर के तले आना होगा। ये मैं देख रहा हूं अभी से सब लोग अलग 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 ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या जरूरत है ढिंढोरा पीटने की? आप सब युवाओं से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब सुन लीजिए, निर्णय आप सबकी सलाह के अनुसार, जो भी लोग आप लोगों ने आइडिया दिया है उसके अनुसार अखंड भारत मिशन, अखंड भारत मिशन सबको साथ में लाएगा। जो अभी अलग अलग बैठे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इन सबको अलग से एक जगह पे लेके आएंगे और एक जगह पे लाकर सबसे पहला मेरा ध्यान है मध्य प्रदेश में, नवंबर में इलेक्शन है। मैं सबसे कह रहा हूं, अगर एक महीने में सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम कथा ही करेंगे, जहां है वहीं रहेंगे, और अगर एक महीना जो बचा हुआ उसमें बात नहीं मानती है, पहली बात तो यह निश्चित है कि पार्टी बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज चला सकते हैं आप लोग, पार्टी बनाएंगे, अखंड भारत मिशन हम लोग पार्टी बनाएंगे, अपने लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर से सुन लो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, एक झंडे के तले हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे लोग चुनाव लड़ेंगे। 19 में भी चुनाव लड़ा जाएगा पूरे देश में, जहां जहां हमें लगेगा हम वहां इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी पार्टी होगी। लेकिन ये काम किसके लिए होगा आप जानते हैं, अगर हमारी बात एक महीने में मान ली तो मैं और मेरे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे तो लड़ना ही नहीं, मेरे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर नहीं मानी गई, सरकार ने इस बात को नहीं माना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले जांच हो, 7 दिन में जांच पूरी हो, दोषी को सजा हो, निर्दोष को बरी किया जाए, अगर ये बात हमारे सरकार के लोग, हमारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं और इस बात में हमारा साथ नहीं देते हैं, तो मध्य प्रदेश का चुनाव अखंड भारत मिशन, सारी सभाएं एक जगह पर खड़ी होकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में हम अपने आदमी क्यों, अभी क्यों लड़ेंगे, हम पार्टी क्यों बना रहे हैं? पार्टी हम इसलिए बना रहे हैं कि अदरवाइज अगर हम लोग, हमारे आदमी उन सदनों में नहीं पहुंचे तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे ही कानून बनाते रहेंगे। ऐसे कई कानून इस सदन में बन चुके हैं जो नहीं बनने चाहिए थे, जो ना हमारी देश की अस्मिता के लिए अच्छे हैं, ना देश की अखंडता के लिए भी वो पूर्ण नहीं, जैसे SC ST, जैसे वो कई चीजें हैं, मैं अभी नहीं उठाऊंगा क्योंकि और फिर विषय उठ जाएंगे, वो नहीं चाहता हूं मैं कोई और विषय हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा एक महीने में अगर हमारी सरकार बातें नहीं मानती है तो हमारे सारे लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और जिन जिन को हमसे जुड़ना है, अखंड भारत मिशन से जुड़ना है, वो अभी अखंड भारत मिशन के सभी पेजों पे, ट्विटर पे चले जाएं, वहां से वहां कनेक्शन, वहां कांटेक्ट करें, नंबर दिए गए हैं वहां कांटेक्ट करें। आप अपने जिलों में जो जो ईमानदार लोग हैं, अगर वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो भी तुरंत कांटेक्ट करें वहां, लेकिन ईमानदार लोग। आपको एक और बात बता दूं, जो इलेक्शन लड़े जाएंगे, जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए एक फॉर्म तैयार किया जाएगा, जो उस फॉर्म को फिलअप करेंगे पूरा उन्हीं को टिकट मिलेगा,
और वही चुनाव लड़ सकेंगे। और वो पहली दो दो बातें बता दूं, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, धर्म के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, समाज को बांटने की राजनीति नहीं करेंगे। ये तीन चीजें प्रमुख होंगी। हम समाज को नहीं बांटेंगे, हम देश की साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम धर्म को झुकने नहीं देंगे। कुछ और एक दो शर्तें इसमें होंगी, जो उन चीजों को मानेगा, उनको ईमानदार जो लोग होंगे, जो ईमानदारी से इस देश की, धर्म की, समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो अभी अखंड भारत मिशन के ऊपर सारे नंबर आपको दे दिए जाएंगे, तुरंत संपर्क करें। और जैसे ही मैं भारत में आऊंगा, सारी तैयारी, और जो जो अपने अपने लेवल पे वहां तैयारी करना चाहते हैं, मैं सभी क्षत्रिय सभा से, ब्राह्मण सभाओं से, और वैश्य जितने भी हमारे और भी जितने भी लोग हैं, हमारे सभी दलित भाई बहनों से भी, सभी से मेरा निवेदन है, जो जो इस अखंड भारत मिशन में सम्मिलित होना चाहते हैं, जो जो भारत की अखंडता के लिए, भारत की इस स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहते हैं, वो सब इसमें जुड़े। एक और बात बता देना चाहता हूं, अभी से इस बात को सुन ले, इसमें बायकायदा 25% अगर हमने चुनाव लड़ा, अगर सरकार नहीं मानी, तो 25% माता बहनों को उसमें भागीदारी दी जाएगी, और कम से कम 70% यंगस्टर्स, 70% यंगस्टर्स उसमें चुनाव लड़ेंगे, और सब लोग मिलके 30% लोग हमारे बुजुर्ग रहेंगे, सीनियर रहेंगे, जो हम सबको मार्गदर्शन भी देंगे। ये सारी प्लानिंग आप समझ लीजिए, इसी बिहार पर हम लोग आगे चलकर काम करेंगे। पहला हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो हमारा इलेक्शन लड़ना तय है, पार्टी बनना तय है। पार्टी तो बनेगी ही, इलेक्शन लड़ना न लड़ना डिपेंड है भारत की सरकार और प्रदेश की, जो भारत सरकार है हमारी बात मानती है अथवा नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो अभी तुरंत इसी वक्त, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप इसी वक्त फोन कीजिए, कनेक्ट हुई है, और भारत अखंड भारत मिशन से आप जुड़िए, और सबके साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। मैं आप सबसे यही कहूंगा और निवेदन करूंगा, मेरी इन बातों को, मेरे इन विचारों को, फिर कह रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और ये सारे विचार देश की अखंडता के लिए। मैं कथा करने आया हूं, कथा ही करूंगा, लेकिन एक दल ऐसे बनाएंगे, एक दल ऐसा बनेगा जो देश की अखंडता के लिए काम करेगा, एकता के लिए काम करेगा, और देश के युवाओं को राजनीति में लेके जाएगा। देश के युवा भाई बहनों को हम इस राजनीति में लेके जाएंगे, जिससे वो युवाओं का दर्द समझे और युवाओं के लिए काम करें, और देश के लिए और धर्म के लिए, समाज के लिए मिलके काम करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो पूरे देश में आप जहां जाएं इसको सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अखंड भारत मिशन से आप लोग जुड़े, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा अपने इस अखंड भारत मिशन को मजबूत कीजिए, जिससे हम लोग अपने देश की मजबूती प्रदान कर सके। आगे पुनः एक बार बापू की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जय जवान जय किसान, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम, उनको तहे दिल से याद करते हैं, और पूरे देश को नमन करता हूं। दूर बैठा हूं, दिल दुखी है, लेकिन सच मानिए मैं आज भी वहीं बैठा हूं। आपको मेरी बात से सहमति है, आगे बढ़िए, घर से निकलिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखना, अब एक झंडा, एक डंडा, एक देश, एक कानून, ये हमारी चीज है, और इसमें हम लोग ध्यान क्या है हमारी, अगर जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी चीजें क्या होंगी, सेवा ही परमो धर्मा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारी टैगलाइन है, धर्मो रक्षति रक्षिता, सेवा ही परमो धर्मा, धर्म की रक्षा करेंगे हमारी रक्षा होगी, सेवा करेंगे तो जनमानस सुखी हो जाएगा और हमारे देश की अखंडता, और उसमें हम लोग जात पूछ के सेवा नहीं करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सर्व समाज की सेवा करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिए, अब हमें एक होना है, और एक होकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, अपने देश की अखंडता को बचाए रखना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।